आप देख रहे हैं शतक आज तक। कल सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है सीबीआई, पहले भेजा जा सकता है समन। रिया पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सीबीआई ले सकती है एक्शन। लगातार तीसरे दिन मुंबई में एक्शन में सीबीआई, सुशांत के दोस्त कुक और स्टाफ से दूसरी बार पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ, तीनों से एक साथ पूछे गए सवाल। तीनों को साथ लेकर करीब 2:30 बजे सुशांत के घर ले गई सीबीआई, 3.5 घंटे के बाद फ्लैट से निकली टीम। सुशांत के फ्लैट पर मुंबई पुलिस की टीम भी थी मौजूद, घर की फिर की गई छानबीन। सुशांत की बिल्डिंग की सीबीआई ने कराई वीडियोग्राफी, सिक्योरिटी गार्ड से अपने कब्जे में लिया एंट्री रजिस्टर। सुशांत के फ्लैट पर क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट करेगी सीबीआई की टीम, शनिवार के रिक्रिएशन पर फॉरेंसिक टीम ने जताया है संदेह। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह के बयानों में विरोधाभास, फिर हो सकती है पूछताछ। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल, रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ सकती हैं सोनिया गांधी, कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में कर सकती हैं इस्तीफे की पेशकश। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 10 अगस्त को खत्म हो गया सोनिया गांधी का कार्यकाल, सूत्रों के मुताबिक आगे बने रहने का नहीं है इरादा। सोनिया के इस्तीफे की खबर से पार्टी में हड़कंप, अशोक गहलोत और अधीर रंजन समेत कई नेताओं ने पद पर बने रहने की मांग की। बहुत मुश्किल से कोई कांग्रेस का व्यक्ति मिलेगा जो सोनिया जी में विश्वास नहीं रखता है। मैं इसको बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं। तो अब किसने कुछ लिखा नहीं लिखा, पत्र हुआ कि नहीं हुआ, अभी कोई नहीं जानता है। कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर की है ऊपर से नीचे तक बदलाव की मांग, चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है। चिट्ठी लिखने वालों पर भड़के पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कहा ठीक नहीं है गांधी परिवार की लीडरशिप को चुनौती देना। सोनिया के पद छोड़ने की खबर को कांग्रेस ने किया खारिज, रणदीप सुरजेवाला बोले अभी तक पार्टी अध्यक्ष ने इस बारे में किसी से नहीं की है कोई बात। सामने आया पीएम मोदी का प्रकृति प्रेम, शेयर किया मोर को दाना खिलाने और लॉन में टहलने का वीडियो। अलग अलग लोकेशन पर मोर को हाथों से खाना दाना खिला रहे हैं प्रधानमंत्री, वीडियो के साथ लिखा है रग रग है रंगा नीला भूरा श्याम सुहाना। बीजेपी ने फूंका बिहार चुनाव का बिगुल, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा एनडीए का पूरा कुनबा। एलजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, नड्डा बोले अपने सहयोगी दलों के मूल्यों का भी रखना है ध्यान। जहां भारतीय जनता पार्टी के की सीट है उस पर तो हम मेहनत करेंगे, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उस पर भी हम पूरी ताकत लगाएंगे और उन्हें भी जिताने का काम करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे जेपी नड्डा, कहा इस बार नारा होगा बीजेपी है तैयार आत्मनिर्भर बिहार। नीट और जी के इम्तिहान पर सियासी घमासान, राहुल गांधी का सवाल कोरोना काल में जिंदगी से खिलवाड़ क्यों। आम आदमी पार्टी ने भी किया फैसले का विरोध, मनीष सिसोदिया बोले छात्रों पर जिद ना थोपे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जेईई और नीट की परीक्षाएं करा के ही हम इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन देंगे, ये थोड़ी जिद है, इस जिद पे ना रहें। दिल्ली के कारोबारियों से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल, कोरोना काल की परेशानियों को लेकर हुई है बात। त्रिपुरा में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लेफ्ट की मोर्चाबंदी, अगरतला में सड़कों पर उतरे हजारों कार्यकर्ता। ग्वालियर में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के सदस्यता अभियान के विरोध में लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर धरना। झारखंड के धनबाद में कोविड अस्पताल में शराब पार्टी से हड़कंप, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली में दबोचे गए आईसीएस आतंकी के घर से मिले तबाही के सामान, विस्फोटक के साथ सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी बरामद। लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहा था आईसीएस का आतंकी अबू यूसुफ, घर से 30 किलो विस्फोटक के साथ बम में लगाने के लिए 30 बॉल बियरिंग्स भी बरामद। बॉल बियरिंग, 7 सिलेंड्रिकल बॉक्सेस, टाइमर और 4 के करीब बैटरी, आईएसआईएस का फ्लैग मिला है, प्लस एक बोर्ड भी मिला जिसपे ये टारगेट प्रैक्टिस करता था एयरगन से।
आईसीएस आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा, दिल्ली के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की तैयारी कर रहा था। कई बार खाड़ी देशों की यात्रा कर चुका है अबू यूसुफ, घर वालों ने नापाक साजिश की जानकारी होने से किया इनकार। आईसीएस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में है एटीएस बलरामपुर और आसपास के इलाकों में दनादन छापेमारी। देश भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटे में 69,000 से ज्यादा नए मामले, 30,44,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 912 लोगों की मौत, अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले, 7,71,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,241 नए मामले, 1,82,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1400 से ज्यादा नए मामले, 1,60,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की तादाद। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले, अब तक 1,35,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। कोरोना के बीच फिल्म शूटिंग की इजाजत, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, ज्यादा रिस्क वाले कर्मचारियों से नहीं करवाए जाएंगे फ्रंटलाइन के काम। कैमरा फेस करने वाले कलाकारों को छोड़ बाकी लोगों को जरूरी होगा मास्क पहनना, रखनी होगी 6 फीट की दूरी। पंजाब के तरन तारण में कोरोना का कोहराम, पुलिस के कई आला अधिकारी में वायरस संक्रमण की पुष्टि। गुजरात के सूरत में चंद घंटों में हुई 8 इंच बारिश से हाहाकार, पानी पानी हुए कई इलाके। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से ओवरफ्लो हुआ भादर डैम, 6 फीट तक खोले गए 29 गेट। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश से हाहाकार, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ गई है मुश्किलें। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश ने किया बेहाल, राजस्थान जाने वाली सड़क पर भरा पानी। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में भरा हुआ है पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। गुजरात के पाटन में बारिश का तांडव, जलमग्न हुए 200 से ज्यादा गांव, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। नर्मदा बांध पर दिख रहा है मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर, जलस्तर में 24 घंटे के भीतर 2 मीटर की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार हो रही बारिश से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पार्वती नदी, बीच धार में फंसे 2 पुजारी। एमपी के बैतूल में 4 इंच की बारिश ने खोल दी है भ्रष्टाचार की कलई, 1 करोड़ की लागत से बने थे बांध, ने तोड़ दिया दम इस पानी में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाढ़ में फंसे 2 बच्चे और बुजुर्ग, जान जोखिम में डालकर थाना प्रभारी ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद नाले में फंसा एक परिवार, गांव के लोगों ने किया रेस्क्यू। झांसी में बेतवा नदी में फंसे 3 मछुआरे, प्रशासन ने घंटों के रेस्क्यू के बाद बचाई जान। वाराणसी में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश, निचले इलाकों में कमर तक भरा पानी। बिहार के मुंगेर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, पावर ग्रिड में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के आरा में भी गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी, नदी से सटे इलाकों में तेजी से हो रहा है कटाव। राजस्थान में झालावाड़ के कालीसिंध डैम में बढ़ा पानी, खोले गए 10 गेट। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भारी बारिश, उफान पर है नदी नाले, जिला मुख्यालय से कटा कई गांवों का संपर्क। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिरी भारी भरकम पहाड़ी, गाड़ियों की आवाजाही ठप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के जवानों ने जख्मी महिला की बचाई जान, 15 घंटे में 40 किलोमीटर का सफर पूरा कर स्ट्रेचर पर पहुंचाया अस्पताल। आजमगढ़ में पुलिस के खिलाफ किन्नरों का प्रदर्शन, हफ्ता वसूली का आरोप लगाकर नाराजगी जाहिर। हरियाणा के फतेहाबाद में हाईवे पर 2 कारों की जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत, 8 घायल। रायबरेली के एक गांव में 2 लोगों को बंधक बनाकर पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। राजस्थान के अजमेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 3 महिलाएं और 3 पुरुष। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, जमीन के विवाद में 2 सगे भाइयों समेत 3 की हत्या। पानीपत में हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, महिला आरोपी फरार। मेरठ में अखबार में विज्ञापन देकर फर्जी नौकरी लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में लगातार बारिश से ढह गई मिट्टी के घर की दीवारें, किसी के हताहत होने की खबर। ओडिशा के मलकानगिरी में 2 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, कई बड़ी वारदातों में था शामिल। दिल्ली के पांडव नगर में एलएनजेपी के नर्सिंग स्टाफ को डीटीसी बस ने कुचला, मौके पर।
गाड़ी घुमाने जैसी मामूली सी बात पर हावड़ा में दो गुटों में मारपीट, बाइक और कार में तोड़फोड़। राजस्थान के भरतपुर में तालाब में डूबकर दो मजदूरों की मौत, तालाब में नहाने पहुंचे थे चार लोग। मुजफ्फरनगर में युवक की गोलियों से भूनकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी के परिजनों को फोन पर दी जानकारी आरोपी ने। पटना में बेखौफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर समेत चार को मारी गोली, एक की मौत। कानपुर में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, लव जिहाद के विरोध में थाने का घेराव। दिल्ली में बीजेपी के दो सांसदों ने किया गणपति का विसर्जन, गोबर के गणेश से की थी पूजा अर्चना। झारखंड में कोडरमा के डीसी ने अपने हाथों से बनाई गणपति की मिट्टी की मूर्ति, लोगों को दिया पर्यावरण का संदेश। सूरत में एक कपड़ा कारोबारी की अद्भुत गणेश भक्ति, हाथों से कागज पर लिख डाला 57 लाख बार गणेश मंत्र। आईआईटी बॉम्बे में 58वें कन्वोकेशन का आयोजन, एनिमेटेड वर्चुअल रियलिटी से शामिल हुए छात्र। आईपीएल के लिए यूएई में लगा जमावड़ा, दुबई पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आईपीएल में क्वारंटीन से बच सकते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और सीपीएल में शामिल खिलाड़ी, बायो सिक्योर माहौल में रहना होगा जरूरी। पेट्रोल की कीमतों में फिर लगी आग, दिल्ली में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81.49 रुपए प्रति लीटर दाम। कोरोना काल में भारत में बड़ा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का कारोबार, हाइजीन प्रोडक्ट की बिक्री में दोहरे अंकों में बढ़ोतरी। आर्थिक सुस्ती के बीच भारत से चीन को 31% ज्यादा हुआ निर्यात, अप्रैल से जुलाई के बीच करीब $7.25 का एक्सपोर्ट। इसराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, यरूशलम की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने की पीएम के इस्तीफे की मांग। दो साल में खत्म हो सकती है कोरोना महामारी, डब्ल्यूएचओ ने जताई उम्मीद, कहा तकनीकी हथियार से कामयाब होगी दुनिया। दुनिया में तेजी से बढ़ा है कोरोना का ग्राफ, 2,34,00,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 8 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में कोरोना से अब तक 1,80,000 लोगों की हो चुकी है मौत, 58 लाख से ज्यादा हुई संक्रमितों की तादाद। ब्राजील में 35,82,000 से ज्यादा हुई संक्रमितों की संख्या, अब तक 1,14,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना महामारी में मारे गए लोगों की याद में निकाला गया मार्च फॉर द डेड नाम में से लोगों ने अपनों को याद किया। चीन में कीड़ों की मदद से बनाई जा रही है कोरोना वैक्सीन, सरकार ने दी इंसानी ट्रायल को मंजूरी। इंडोनेशिया के अटॉर्नी जनरल कार्यालय में भीषण आग, जलकर खाक हुए इमारत में रखे सारे के सारे दस्तावेज। प्यूर्टो रिको में मूसलाधार बारिश और तूफान के वजह से तबाही, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से दर्जनों घरों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन में नेशनल फ्लैग डे के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, शानदार लाइटिंग के साथ कीव में फहराया गया सबसे ऊंचा झंडा। और व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में सैकड़ों किस्म के फूलों की बहार, सफेद गुलाब से लेकर लिली तक के फूलों ने बढ़ाई सुंदरता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।